इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम के एडमिट कार्ड को लेकर। फाइनली आपके डिस्ट्रिक्ट आप लोकेशन चेक कर सकते हो कि आपका एग्जाम किस डिस्ट्रिक्ट में है। अभी आप क्या चेक कर सकते हो उसके बारे में चर्चा करूंगा और आपको एग्जाम में साथ में क्या क्या लेके जाना है उसके बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है अभ्यर्थी उक्त परीक्षा हेतु आवंटित परीक्षा जिला की जानकारी एसएसओ पोर्टल पर लॉग इन कर प्राप्त कर लेवे। यानी कि आपका एग्जाम किस डिस्ट्रिक्ट में होगा उसकी जानकारी आप अभी भी प्राप्त कर सकते हो एसएसओ आईडी पर जाके। आगे इन्होंने लिखा है उक्त परीक्षा के प्रवेश पत्र परीक्षा दिनांक से 4 दिवस पूर्व आयोग की वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। यानी कि आपके अभी प्रवेश पत्र नहीं आए, अभी सिर्फ आपको डिस्ट्रिक्ट बताई जाएगी। प्रवेश पत्र में मतलब कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर सेंटर कहाँ होगा वो आपके एग्जाम डेट से 4 दिन पहले ही या तो आप एसएसओ पोर्टल पर चेक कर सकते हैं या आयोग की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपका एग्जाम 26 को है तो आप अपना एडमिट कार्ड 22 तारीख को चेक कर सकते हो। आगे इन्होंने लिखा अतः अभ्यर्थी यथाशीघ्र प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लेवे। अभ्यर्थी प्रत्येक प्रश्न हेतु अलग अलग प्रवेश पत्र लेकर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हो। ध्यान रखना आपके 2 पेपर है तो दोनों पेपर में आपको प्रवेश पत्र अलग अलग लेके जाना है, एक ही प्रवेश पत्र को लेके नहीं जाना है, दोनों अलग है। यानी कि एक ही प्रवेश पत्र जैसे ही आप डाउनलोड करते हो उसके 2 प्रिंट निकाल कर आपको लेके जाने हैं। नेक्स्ट है अभ्यर्थी परीक्षा प्रारंभ होने के नियत समय से 1 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पर आवश्यक रूप से उपस्थित हो। अगर जैसे कि आपका पेपर 9 बजे है तो आप एग्जाम सेंटर पर 8 बजे ही पहुंच जाए, क्योंकि आपकी एंट्री कब से नहीं दी जाएगी, 8:30 के बाद एंट्री नहीं दी जाएगी। अगर 9 बजे एग्जाम है तो उसे 30 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा, उसके बाद आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 8:30 के बाद आपका प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आगे लिखा इन्होंने अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक पर जाकर आवेदन पत्र क्रमांक एवं जन्म दिनांक से डाउनलोड कर लेवे। यानी कि आपको प्रवेश पत्र कैसे डाउनलोड करना है उसका लिंक मैंने आपको नीचे डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ आपको एप्लीकेशन नंबर और DOB पूछे जाएंगे। एप्लीकेशन नंबर आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर होते हैं वही है और DOB आपके जो है वो है। उसके बाद आपको एक कैप्चा दिया होगा वो आपको लिखना है, उसके बाद आप सबमिट कर दोगे, आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। आगे लिखा हुआ साथ ही अभ्यर्थी वेबसाइट पर लॉग इन कर उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल लिंक का चयन कर भी संबंधित परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं तो दूसरे तरीके से भी इन्होंने बताया कि इस तरह से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। आगे इन्होंने लिखा है अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर पहचान हेतु प्राथमिकता से मूल आधार कार्ड उपस्थित लेकर जावे। यानी कि आपको आधार कार्ड लेके जाना है एक ID के रूप में। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में विशेष परिस्थितियों में अन्य मूल फोटो पहचान पत्र जैसे कि मतदान पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि के आधार पर प्रवेश अनुमत किया जाएगा। यानी कि आपकी जब एंट्री होगी तब आपका एक आईडी कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो चलेगा, मतदाता पहचान पत्र भी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी एक कार्ड आप दिखा सकते हो, उस पर आपकी डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट लिखी होनी चाहिए, ध्यान रखना। इसके बाद लिखा हुआ है मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र के साथ जारी आवश्यक अनुदेशों का अवलोकन अवश्य करके जाए। यानी कि आपके एडमिट कार्ड के ऊपर भी एक इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे कि आपको साथ में और क्या क्या लेके जाना है, तो वो भी आप जरूर देख कर जावे। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा कोरोना के संबंध में जारी गाइडलाइन की पूर्णतः पालना करें और परीक्षा केंद्र पर मास्क लगाकर उपस्थित हो। यानी कि आपको मास्क लगाकर भी जाना है। तो ये थी जानकारी। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। कल आपके लिए राजस्थान करंट अफेयर के 150+ क्वेश्चन जनवरी से लेकर दिसंबर तक के करंट अफेयर के क्वेश्चन लाए जाएंगे, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।